खबर झांसी जनपद से है, जहां इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के पक्ष में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में बाहर दतिया गेट प्रथम अखलाक मकरानी पूर्व पार्षद के निवास पर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पूर्व पार्षद अखलाक मकरानी, पार्षद शफीक मकरानी, पार्षद आफाक मकरानी, नफीब मकरानी, हाफिज सहनवाज, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष असरद खान, पार्षद किशोर रैकवार, सुल्तान मिर्जा, समाजवादी पार्टी खारिफ खान एवं इंडिया गठबंधन से और भी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और सभी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के लिए वोट मांगते हुए भारी बहुमत से जिताने के लिए अपील की। मीटिंग का संचालन अखलाक मकरानी ने किया। अंत में मनीष तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी जनपद से मोहम्मद जावेद मकरानी की रिपोर्ट। लेकिन मैं भाई इतना बताना चाहूंगा कि आज जो मीटिंग जिस तरह से भाई जिम्मेदार साथियों को उन्होंने बुला दिया, और हमारा एक सुझाव अत्य भी ये है कि इस वार्ड के अंदर हमारे अजीब करीब जितने भी सभी लोग एकत्र होकर के अपने ज्यादा से ज्यादा वोट लिस्टों में रहे और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने जाए बिना इस बात की परवाह किए कि जो कैंडिडेट है प्रत्याशी है वो हमारे पास आया या नहीं आया। आएंगे जरूर, लेकिन इस बात के लिए घरों में हम ये सोच के ना बैठे कि हमको किसी ने पूछा नहीं या प्रत्याशी हमारे मोहल्ले में आए नहीं। सबका हमारा फर्ज है कि इंडिया गठबंधन का ये जो गठबंधन हुआ है इसको आप यही मान लीजिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये वही वक्त है कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई आप ये एहसास कर सकते हैं। जो लोग हम लोग पैदा उस वक्त नहीं हुए थे, लेकिन आज के माहौल में हम ये महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल रहा होगा और किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, वो गोरे अंग्रेज थे ये काले अंग्रेज हैं, इसी तरह से इनके खिलाफ आज जो सारी पार्टियां जुट हुई है, जैसा उस वक्त जद्दोजहद और कुर्बानियां दी गई थी वैसी ही जद्दोजहद और कुर्बानियां आज हमको करने की जरूरत है। उसी जज्बे के साथ हम मान रोपने का काम वर्तमान व्यवस्था कर दी। जो अड़ानी जो अंबानी अपनी आमदनी का 140 गुना 10 सालों में बढ़ा चुका है, 140 गुना आप समझ सकते हो, 140 एक रुपए कमाता था आज 140 रुपया कमा रहा है, मतलब अरबों में है वो संख्या अरबों में। और मजदूर 2014 में 450 रुपए था पन्ने का। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है एक बार अमेरिका गया अपनी बहन के, हमारी सिस्टर अमेरिका में, अमेरिका तरक्की क्यों है, तरक्की अमेरिका में क्यों है, वहां आपको मजदूर नहीं मिलेगा। वहां अगर आपको घर की सफाई करनी है तो या तो रोबोट करेगा या आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप कितने बड़े आदमी हो आपको वहां मजदूर का रेट इतना ज्यादा है कि वो आप दे नहीं पाएंगे। आज हम काम करते हैं उस मजदूर को सशक्त बनाने का, उस गरीब को सशक्त बनाने का, वो किसी कौम का हो किसी धर्म का हो। और वो जो हम काम करते हैं आजादी से, वो काम जो हमने 2014 तक किया, वो काम इन संघ की विचारधारा वाले सोच वाले लोगों को पसंद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो गुरु गोल बरकर जी हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्हें इस मजदूर की, इस पल्लेदार की, इस शर्ट से जो खुशबू आती है, महक आती है, इससे नफरत है। उन्हें मजदूर से नफरत है और प्यार उन्हें अड़ानी और अंबानी जैसी शख्सियत से है
आप समझो जो नफरत की भाषा बोली जाती है, लोगों को लड़ाया जाता है, वो लड़ाई उद्देश्य से जाता है कि हमें शासन मिले और उन अड़ानी और अंबानी की हम जेब में भर सके और मजदूर को हम और कमजोर कर सके और कमजोर कर सके। हम काम करते हैं कि अगर गरीब की थाली में दाल है तो उस दाल के साथ सब्जी भी एक हो जाए, उस शराब के टुकड़े भी हो जाएं, दो पीस सेव फल के भी हो जाएं और उसकी थाली संपन्न हो, उसके बच्चों को दूध मिले, बेहतर खाना मिले, उन्हें कुपोषण ना हो। मैं केवल एक उदाहरण देके आपको बात समझाना चाहूंगा। पूरे देश में बच्चों का कुपोषण, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा आज के वक्त में गुजरात में है, ये जहाँ लगातार 24 साल से सत्ता है, 24 साल से सत्ता में। उस बात से आप समझो, मजदूर से जो हकारत रखते हैं, मजदूर से जो नफरत करते हैं, उस नफरत को बड़ा करने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक नफरत फैलाने का काम किया जाता है। और ये इस लेवल तक हो गया है कि यदि उसके खिलाफ आज हमने लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर लड़ाई नहीं लड़ी तो हमें आगे जमीनी संघर्ष सड़कों पर उतर के करना पड़ेगा। साथियों, तो आज इस वोटर लिस्ट पे काम कर लोगे, अगर इस वोटर लिस्ट पे काम कर लोगे, कल सड़कों पे खून नहीं बहाना पड़ेगा, वरना सड़कों पे खून बहाने आपको निकलना पड़ेगा। तो आप सबसे केवल निवेदन है उस राहुल गांधी के लिए जिसने पूरा देश पैदल और पैदल, आप गरीब के लिए, आप मजदूर के लिए, आप उस तबके के लिए पूरा पैदल देश नापा है, हर धर्म के लोगों की भलाई के लिए नापा है, पूरब से लेके पश्चिम तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कि आपकी बेहतरी हम कैसे करें। हमारे नेताओं ने इस देश को, बंटवारे को बचाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, हमारे नेताओं ने इस हिंदुस्तान की मिट्टी में अपने खून का एक एक टुकड़ा मिलाया है। हमारी नेता इंदिरा जी ने पूरा शरीर का खून इस मिट्टी में पिलाया है। हमारे नेता राजीव गांधी का पूरा शरीर भी हमारे राहुल गांधी ने नहीं देख पाया था, शरीर भी टुकड़ों टुकड़ों में आया था। हमने इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, हमने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, और जो देश को विकास पे लाने में जो कुर्बानी दी, आज मैं आपको बताऊं राजीव भाई, 1,67,00,000 लोग राजीव गांधी के देखे हुए सपने के तहत पूरी दुनिया के 157 देश में नौकरी करते, 1,67,00,000 लोग। और इस गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का सपना क्या है, एक भी रोजगार हिंदुस्तान में नहीं है, सारा रोजगार बेच दिया, सारी कंपनियां बेच दी। और रोजगार बेचने का मतलब समझते हो कि जुनेद जैसे युवाओं के सपनों को हमने बेच दिया। हमारा नेता सबसे देखता था कि हमें युवाओं को अमेरिका भेजना है, हमें युवाओं को जापान भेजना है, और उसने भेजा। जैसे मेरा बेटा अभी लंदन बिजनेस स्कूल में कर रहा है MBA, किसकी ताकत पर कर रहा है। अगर राजीव गांधी ने वो नीतियां और IT सेक्टर को न लाया होता तो ना वो आज लंदन जाता, ना अभी NYU में MBA करने जाता, ना कई देशों में घूमने जाता। इतना बड़ा सपना देखा, इस बेहतरी देश की करने का सपना देखा। सरकार की पैटर्न पे हम फ्री करेंगे, हम जातियों की जनगणना कराएंगे, और धर्म और जाति की जनगणना जो होगी उसके आधार पर सरकार कौन सी जाति कितनी है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, उसको बेहतरी के लिए सरकार योजनाएं तय करेंगी। एक हम बहुत बेहतर भविष्य का, जो इन 10 सालों में देश का भारी नुकसान इन लोगों ने किया है, हमारा घोषणा पत्र, गठबंधन का घोषणा पत्र, इस बात को अगर आप घर घर पहुंचा दे गए और वोटर लिस्ट पे काम करें, आप इस घोषणा पत्र को सोचिएगा, एक वोटर लिस्ट में 8 सपनों के लिए और देश को बेहतर बनाने के लिए, आम आवाम में सुख शांति और खुशहाली के लिए। जहाँ हम बैठे तो हम अपने भाइयों के साथ प्रेम से बैठे। यदि मैं अपने जीवन भर में, मेरे आई गफूर भाई, यदि इंडिया ये हिंदुस्तान था, ये हिंदुस्तान था, आज हमारा मित्र जाके हमारे साथ रहता है, दिन भर रहता है,
पीछे का सभी हमारे घर में रहता है, घर की महिलाओं की, घर के बच्चों की, जो हमारा नाती आरव है उसको हमसे ज्यादा प्रेम अगर है तो यूनिफॉर्म जा करते है। जय हिंदुस्तान। और इसी हिंदुस्तान को, इसी हिंदुस्तान को हमें जिंदा रखना है और वोटर लिस्ट पे काम करना है। हमें काम हमारी प्रधानमंत्री त्रिपाठी जी है, अभी ये गठबंधन की मीटिंग हुई, हमारे अतिथि ने आज भी